अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक बड़े ही मज़े का अमल लेकर आई हूँ। यकीन जानिए इस अमल के फ़वाद तो आपको थोड़ा वक्त गुजरने के बाद महसूस होंगे, लेकिन फौरी तौर पर जो आपको इस अमल का फ़ायदा होगा वो ये कि आप रिलैक्स हो जाएंगे। इब्तदाई चंद सेकंड के अंदर अंदर आपकी बॉडी जो है रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी और आप अपने आप को बेहतर फील करेंगे। आपको लगेगा कि आपकी थकावट दूर हो गई है, आप फ्रेश हो गए हैं और आप एक नए दिन के लिए अपने आप को फिट महसूस करेंगे। ये जो अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसका बेसिक जो मकसद है वो आपके पेट के मसल्स को मज़बूत करना है, आपके थाइस के मसल्स को मज़बूत करना है। याद रखिए, जब आपके पेट के मसल मज़बूत होंगे तो आपकी बैक जो है, आपकी जो स्पाइन है वो मज़बूत होना शुरू हो जाएगी। आपके पेट के मसल आपकी स्पाइन को आपके वर्टिब्राज को सपोर्ट करती है और आपके थाइस के जो मसल हैं वो आपके घुटनों को सपोर्ट करते हैं और आपको घुटनों के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं जिसकी वजह से आप उठ बैठ नहीं सकते, चल नहीं पाते हैं, उनमें बेहतरी आना शुरू हो जाती है। एक छोटा सा अमल जो आपकी स्पाइन को भी मज़बूत कर रहा है, आपके पेट के मसल्स को मज़बूत कर रहा है, आपकी थाइस को मज़बूत कर रहा है, आपको घुटनों के मसाइल से निजात दे रहा है, तो क्यों ना उस अमल को अपना कर इससे मुस्तफीद हुआ जाए। बहुत ही आसान अमल है। करना क्या है, आपने लेट जाना है, बिस्तर पर लेट जाइए, चटाई पर लेट जाइए, अपनी सहूलत के मुताबिक कोई भी पोजिशन ले लीजिए। लेट कर आपने अपने पैरों के दोनों तलवों को अपने साथ एक दूसरे के साथ मिला लेना है। जैसे ये हम हाथ मिलाते हैं ना, ऐसे पैरों के तलवों को मिला लीजिए। अब देखिए, जब मैंने हाथ मिलाया तो मेरे बाजू किस पोजीशन में आ गए, इस पोजीशन में आ गए। जब आप अपने दोनों पैरों के तलवे मिलाएंगे तो आपकी टांगें किस पोजीशन में आ जाएंगी, बिल्कुल इसी पोजीशन में आ जाएंगी। जब आपने अपने पैरों के तलवों को मिला लिया तो अपनी टांगों को ऊपर की जानेब उठाइए। ये देखिए, ये पोजीशन पैरों की इसी तरह ही आ रही है। आपने अपने टांगों को, अपने पैरों को ऊपर की जानेब उठाना है। जिस हद तक भी आप ऊपर लेके जा सकते हैं उन्हें ऊपर लेके जाइए और आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाइए, लेकिन नीचे लाते हुए आपने उन्हें ज़मीन के साथ टच नहीं करना। इब्तदा में आपने 10 की काउंटिंग करनी है। 10 की काउंटिंग कीजिए, उसके बाद 10 सेकंड के लिए वक्फ़ा दीजिए, फिर 10 की काउंटिंग कीजिए, फिर 10 सेकंड का वक्फ़ा दीजिए, फिर 10 की काउंटिंग कीजिए और अपने पैरों को ज़मीन के ऊपर लगा दीजिए। जब आप 30 की काउंटिंग के बाद अपने पैरों को ज़मीन पर लगा दें तो फिर अपनी अपर बॉडी को थोड़ा उठाइए और अपने हाथों से अपने जुड़े हुए पैरों को पकड़ लीजिए। जब आप अपने जुड़े हुए पैरों को पकड़ेंगे तो पूरी बॉडी जो है आपकी रिलैक्स की पोजीशन में आना शुरू हो जाएगी। ये वो पोजीशन है, ये वो अमल है पैरों को पकड़ने का, टांगों को ऊपर नीचे करने का, जो आपके बेली मसल्स को मज़बूत करता है, जो आपके मसल जो है, जिस तरह आप सिक्स पैक बनाते हैं, एट पैक बनाते हैं, फोर पैक बनाते हैं, ये उन मसल को मज़बूत करता है। नतीजे के तौर पर आपकी स्पाइन मज़बूत होती है, ये आपके थाइस के मसल को मज़बूत करता है, नतीजे के तौर पर आपके घुटने जो हैं वो मज़बूत होते हैं। मैंने शुरू में आपसे कहा कि जब आप इस अमल को स्टार्ट करेंगे उसका फ़ायदा आपको उसी वक्त हासिल होना शुरू हो जाएगा। कमर की मज़बूती, घुटनों की मज़बूती, थाइस की मज़बूती तो उस वक्त आएगी जब आप लगातार इस अमल को करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसका ड्यूरेशन बढ़ाना शुरू कर देंगे और दिन में कम अज़ कम इसको आप 1 से 2 मरतबा दोहराएंगे। लेकिन फौरी तौर पर जो आपको असर होगा वो ये कि आप देखेंगे कि आपका जितना भी पेल्विक एरिया है, उस पेल्विक एरिया में आपके हिप जॉइंट आते हैं, आपके थाइज आते हैं, आपके पेल्विक ऑर्गन आ जाते हैं, जो भी आपके पेल्विक एरिया में ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो बोन्स पाई जाती हैं, आपको रिलीफ और रिलैक्स महसूस होना शुरू हो जाए। बाकी का फ़ायदा तो जिस तरह मैंने आपको कहा तसलसल से मिलेगा, लेकिन अगर कभी आप अपनी थकावट दूर करना चाहें, कभी आप फ्रेश होना चाहें, तो फौरी तौर पर इस अमल को कर लीजिए। अपने पैरों के तलवों को एक दूसरे के साथ जोड़ लीजिए, उसके बाद उन्हें ऊपर उठाइए, नीचे लेकर आइए, ज़मीन के साथ टच ना कीजिए और इस अमल को बार बार दोहराइए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। शुक्रिया।